हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइनमास्टर एमडी में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 1 रुपया कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों का पास भी हो सकता है ये 1 रुपये का कॉइन्स। तो दोस्तों ये देखिए, अगर ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अगर दोस्तों ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो जानिए ऐसा वाला कॉइन्स का रियल प्राइस क्या है। तो दोस्तों, ये जो दोनों कॉइन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों कॉइन्स दोस्तों 1992 में डाला गया था। ये देखिए, तो आज बात करेंगे इस कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को 1992 में सिर्फ एक ही मिंट से डाला गया था, वो है दोस्तों कलकत्ता मिंट। ये देखिए दोस्तों, यार्स का नीचे में कोई भी मिंट मार्कर निशान नहीं है। ये देखिए, प्लेन है। तो ये दोस्तों कलकत्ता मिंट का कॉइन से, और सिर्फ कलकत्ता मिंट से ही इस कॉइन्स को डाला गया था। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों कॉपर निकल मेटल है। इस कॉइन्स का जो वेट है, 6 ग्राम, साइज 26 mm, सेब सर्कुलर। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, आज की डेट में इस कॉइन्स का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। पहले देखेंगे इस कॉइन्स का जो कॉइन बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस कॉइन्स का प्राइस। तो दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये देखिए इस कॉइन्स का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपया से 100 रुपया तक। फाइन कंडीशन में 10 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीस कॉइन बुक में दिया हुआ प्राइस है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ये जो कॉइन्स है, ये आज की डेट में इस कॉइन्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया है। आज की डेट में ये कॉइन्स स्केयर कैटेगरी का भी हो गया है और प्राइस भी दोस्तों ज़्यादा हो गया है। अगर दोस्तों आप लोगों का पास ऐसा कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में है, ये वाला कॉइन्स, तो ये आपको दिला सकता है 300 रुपया तक। फाइन कंडीशन में 50 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 300 रुपीस ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, ऐसा वाला जो कॉइन्स है, ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का कलेक्शन में ऐड नहीं है, तो ऐसा वाला कॉइन्स को ऐड कीजिए। 1-2 साल बाद ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस और भी ज़्यादा होने वाला है। अभी तो दोस्तों 300 रुपया है यूएनसी कंडीशन, आगे जाके ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस और भी ज़्यादा होने वाला है। तो अभी से ऐसा वाला कॉइन्स को अपने कलेक्शन में ऐड करके रखिए। तो दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये देखिए। ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का 1 रुपये का कॉइन्स। तो दोस्तों, इस कॉइन्स को भी 1992 में डाला गया था। ये देखिए इस कॉइन्स का ईयर्स। तो दोस्तों, ये जो क्विक इंडिया मूवमेंट 1 रुपये का कॉइन्स है, इस कॉइन्स को भारत का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। तो ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स आज की डेट में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का है 1 मिंट का। तो दोस्तों, वो है कौन सा मिंट, जानिए वीडियो में। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो बॉम्बे मिंट का जो कॉइन्स है दोस्तों, बॉम्बे मिंट कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी का है और बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 100 रुपया तक। फाइन कंडीशन में 10 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीस बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है। और दोस्तों, बॉम्बे मिंट कॉइन्स नॉर्मल है। और दोस्तों, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, ये दोस्तों थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है बॉम्बे मिंट से। कलकत्ता मिंट भी दोस्तों स्केयर कैटेगरी का कॉइन्स है, लेकिन दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये आपको दिला सकता है 50 रुपया से 200 रुपया तक। कलकत्ता मिंट का दोस्तों प्राइस है 50 से 200 रुपया तक। फाइन कंडीशन में 50 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीस कलकत्ता मिंट का जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस है। और दोस्तों, हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, हैदराबाद मिंट का कॉइन्स दोस्तों स्केयर कैटेगरी का कॉइन्स है, तो हैदराबाद मिंट का कॉइन्स का प्राइस है 100 रुपया से 500 रुपया तक। फाइन कंडीशन में 100 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 500 रुपीस हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है दोस्तों, ये वाला इस हैदराबाद मिंट का प्राइस है। तो आप लोगों का पास कौन सा मिंट का है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, कॉइन्स के बारे में नई प्राइस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को थैंक्स। और दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। Yeah.